आज हम एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। स्ट्रेटजी को सीखने के साथ साथ बैक टेस्टिंग करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी में हम EFI यानी कि एल्डर फोर्स इंडेक्स इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ कैसे करना है, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में भी ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम उसी की बात करेंगे। ज़ीरोधा का यहाँ पे आप ये मेरे सामने देख रहे हो, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है। स्टडीज में चल करके एल्डर टाइप करोगे, एल्डर फोर्स इंडेक्स करके यहाँ पे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा स्टडीज में। जैसे ही लगाओगे नीचे यहाँ पे ये देखो इंडिकेटर ये लग करके आपके सामने आ जाएगा। ये ज़ीरोधा का है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप भी ओपन कर सकते हो ज़ीरोधा को, और नीचे आपको लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है एंड विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिवेट भी हो जाता है। ओके, तो हमने लगा लिया। तो ये एल्डर फोर्स है, अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये 13 पीरियड्स के वैल्यू के ऊपर काम करता है। तो इसको हम इस एज इट इज इसको हम डन पे रहने देंगे। और यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये जो ब्लैक लाइन है ये बड़ी मैटर करती है, किस तरीके से यहाँ पे हमको ये इंडिकेट करता है कि हमको कब ट्रेड लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो की लाइन है, और जो ये जो लाइन है ब्लैक वाली EFI वाली, वो क्या है, कभी जीरो को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही, कभी जीरो को नीचे की तरफ क्रॉस डाउन करके निकल रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब जब ये जो EFI की जो लाइन है जीरो वाली लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ये क्रॉस कर रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको स्टॉक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस कर, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल गया। ओके, और इसको और भी अगर इसको बैक टेस्ट करके देखोगे तो आपको ये सेम चीज़ काफ़ी जगहों पर ऐसे ही आपको ये मिलेगी। तो उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं कि कई बार इसमें बहुत जगह पर आपका ऐसा भी होगा कि ये आपको फॉल्स इंडिकेटर भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे इसने क्रॉसिस अबव करा जीरो की लाइन से ऊपर ये गया, तो लेकिन जो यहाँ पे स्टॉक था ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं गया मतलब, और बाद में नीचे ही चला गया। तो ये क्या हो गया, एक फॉल्स यहाँ पे सिग्नल भी होगा, जिसमें अगर हम सिर्फ इसी के बेस्ड के ऊपर काम कर रहे होते तो शायद हमारा लॉस हो जाता। तो हम इससे भी किस तरीके से बच सकते हैं, और मेन चीज़ है जो एल्डर फोर्स इंडेक्स है ये किस तरीके से काम करता है, पहले इसको भी समझना ज़रूरी है। तो जो EFI है इसको ये यूज़ किया जाता है, ये पावर को मेजर करता है कि जो प्राइस में मूवमेंट आ रही है उसकी कितनी पावर, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, इस चीज़ को मेजर करके हमको कौन बताता है, एल्डर फोर्स इंडेक्स। साथ में साथ ये रिवर्सल्स के बारे में और जब रिट्रेसमेंट या करेक्शन होनी होती है उसके बारे में भी हमको बताता है। साथ में ये भी यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि अगर कोई भी ट्रेंड है उसमें वीकनेस आने वाली है, अगर ये नीचे की तरफ जीरो को क्रॉस करते जा रहा है या फिर बिल्कुल नीचे की तरफ क्रॉस होकर के बिल्कुल के साथ साथ चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड में अच्छी खासी वीकनेस मिल रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एल्डर फोर्स इंडेक्स हमको बता देता है। लेकिन हमको इसके बेनिफिट के साथ साथ हमको इसके फॉल्स सिग्नल से भी तो बचना है। उससे कैसे बचा जाए, उससे बचने के लिए हम एल्डर फोर्स इंडेक्स EFI को तो यूज़ करेंगे करेंगे, साथ में हम मूविंग एवरेज को भी लेकर के चलेंगे। मूविंग एवरेज कौन सा लेंगे यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। मूविंग एवरेज हम लेकर के चलेंगे सिंपल नहीं लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। सिंपल और एक्सपोनेंशियल में फ़र्क क्या है, सिंपल तो सिंपल उसका एवरेज निकाल लेता है जितने पीरियड्स का हम लेकर के चल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो रिसेंट वाला डेटा होता है उसके ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है, उसको वो ज़्यादा उसकी वैल्यू उसको ज़्यादा देता है। पीरियड है यहाँ पे 22 पीरियड्स का लेकर के चलेंगे। 22 पीरियड रखने का एक अपना ही वैल्यूड रीज़न है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, कि नहीं तो भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ये समझ लो कि 22 पीरियड्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो EFI है दोनों के कम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पे ट्रेड को लेकर के चलेंगे। अब इनको यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं और उसका रिजल्ट्स देखेंगे। उसके लिए हमको चलना होगा स्ट्रीक में। अगेन आई रिपीट के स्ट्रीक यूज़ करने के लिए अगर आपके पास ज़रूरत का ID पासवर्ड है तो सेम ID एंड पासवर्ड को यूज़ करके आप स्ट्रीक को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज इन अदर पार्टनर्स में भी हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स हो गया, 5paisa हो गया, एंजल वन, उनके साथ भी इनके टाइप्स हैं, तो वहाँ से भी आप कर ही सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे EFI है, तो हम इसका नाम EFI यहाँ पे इसका नाम लेकर के चलते हैं इसको, और स्ट्रेटजी भी लिख देते हैं। स्ट्रेटजी लिख दिया मैंने, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कर दिया। अब इसमें क्या हम क्या करना, हमको कुछ स्टॉक्स के ऐड करने होंगे जिन स्टॉक्स के ऊपर हमको इस स्ट्रेटजी को चलाना है। तो यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं, HDFC का, HDFC लाइफ, ग्रासिम को ऐड कर लेते हैं, सिप्ला को ऐड कर लेते हैं, और फटाक से मैं कुछ एक और स्टॉक भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। टाइम पीरियड हम यहाँ पे 15 मिनट्स के लेकर चले। क्वांटिटी इन लॉट्स यहाँ पे क्वांटिटी, चलो एक डेमो के लिए ना मैंने 10 रख दिया। सेस 12 फीचर को पहले तो बंद कर लेना, नहीं तो ये अपना दिमाग अलग से चलाता रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लेकर चलेंगे EFI। EFI को लिए हम यहाँ पे एल्डर फोर्स इंडेक्स टाइप करेंगे।
डिफॉल्ट ही हमने 13 पीरियड्स का ही रखा था, इसको एज इट इज ड्रेस को हमने डन कर देना है। क्रॉसिस अबव किसके ऊपर होना चाहिए था, जीरो के ऊपर, जैसे कि हमने पहले बात करी थी। और साथ में हम यहाँ पे एंड का लगाएंगे कंपैरेटर, और एंड में क्या था कि जो लेटेस्ट क्लोज रहेगा वो क्या होना चाहिए, लेटेस्ट क्लोज क्रॉसिस अबव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पीरियड रहेगा यहाँ पे 22 का, डन कर देंगे। दैट्स इट, एंटी कंडीशन हमारी लग गई। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 3% का लेकर के चलेंगे, टारगेट हम यहाँ पे 7% का लेकर के चलेंगे, एंड सारी की सारी चीज़ें तकरीबन सेट होती। बैक टेस्टिंग पैरामीटर्स को एडिट करेंगे तो इसमें जो होल्डिंग टाइप है सीएनसी एंड नॉर्मल को लेकर के चलेंगे। अगर एलोकेशन आपने कुछ कंडीशन लगानी है कि आपको मैक्सिमम कितना पैसा लगाना है पर ट्रेड में, मतलब मैक्सिमम, या फिर कितने का रिस्क लेना चाहते हो, तो आप पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैपिटल बेस्ड का कर दिया, और यहाँ मैक्सिमम एलोकेशन मैंने 1 लाख का लगा दिया मान के चलो, तो ओके। एंड सारी चीज़ें मैंने डन करके इसको सेव कर दी, और इसको अभी हम क्या कर लेते हैं, सेव एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं। इनिशियल कैपिटल में जीरोस कुछ ज़्यादा ही लग गई मेरे से, है ना। आप इनिशियल कैपिटल इन सब चीज़ों को आप एक बार इग्नोर करके यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इसमें आपको किस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तकरीबन हमको यहाँ पे सिप्ला में 11% का रिटर्न दिया, और ग्रासी में तकरीबन 4.8%, HDFC लाइफ में 4% का रिटर्न आ रहा है, इंडसइंड बैंक में तकरीबन 8% का है, टाइटन में यहाँ पे 11% का रिटर्न है। तो यहाँ पे से देखिए कि इन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है हिंडाल्को को छोड़ करके इस स्ट्रेटजी के ऊपर। तो जिन जिन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल सिप्ला इस स्ट्रेटजी में अच्छा काम कर रहा है, 1 अगस्त से लेकर के 29 अक्टूबर का ये डेटा है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक को कंसिडर कर सकता हूँ और टाइटन को कंसिडर कर सकता हूँ। ये तीन तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे रिटर्न्स मेरे को दे सकती है। ग्रासिम को भी हालांकि हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 सिग्नल्स मिले जिसमें से हमारे विनिंग तो 2 थे और जो लूजिंग हमारे 3 थे, बट इसमें ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा 3:7 का जो रेशियो था उसने हमको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिलवा दिया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो तकरीबन तकरीबन ये 3 स्टॉक्स को के ऊपर हम काम करते हैं तो हमको एक अच्छा यहाँ से रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब इन 3 या 4 स्टॉक को अगर हमको मान के चलो डिप्लॉय करना, तो हम सिंपली उनके ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कि सिप्ला में हमको कितना लगाना है, इंडसइंड बैंक में कितना लगाना है, टाइटन ग्रासिम में कितना, क्योंकि हर स्टॉक का जो शेयर का प्राइस है वो अलग अलग है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और लाइव ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लाइव ट्रेड पर क्लिक कर देंगे, जो आपको ये ट्रेड लग जाएगा, उसके बाद में जब भी ये कंडीशन मैच होगी आपके फोन के ऊपर अलर्ट आ जाएगा, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो जो आपका ट्रेड है वो लग जाएगा, लाइव में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चाहे टारगेट प्रॉफिट आपका हिट हो जाए, और आप उसे ट्रेड से एग्जिट हो जाते हो। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलते रहता है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्ट्रीक को यूज़ करने के लिए हमको क्या चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। स्ट्रीक आपको 2 प्लान्स ऑफर करता है, रेगुलर एंड अल्टीमेट। जिन लोगों ने ऑप्शंस वगैरह में या कमोडिटीज वगैरह में काम नहीं करना है, उनके लिए तो रेगुलर भी सही है, लेकिन अगर आप अल्टीमेट में जाते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अदर एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ऑप्शंस का डेटा के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर बैक टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। और कमाल की बात यह है कि अगर आप अल्टीमेट में जाते हो, अगर 1 साल का प्लान लेते हो, तो सिर्फ आपको 980 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ने वाला है, ओके। और आप नए हो तो आप 1 मंथ वाला प्लान लेकर के भी इसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई काम की चीज़ है, तो आप उसको इसको आगे मतलब ईयरली प्लान में कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।